यहाँ मुंबई के कोई खाने जो आपके पसंदीदा हो? मुंबई में मैं वैसे शुरू के अंदर मैं जब स्ट्रगल करता था तो वड़ा पाव सब मुझे लगता है जितने लोग स्ट्रगल करते हैं उनकी एक गो टू है। हाँ वो है, और एक जितनी ये एनर्जी और सोया मिल्क के जो छोटे छोटे बूथ बने रहते हैं वहाँ पे रुक के लस्सी पी ली और थोड़ी एनर्जी मिल के चल बैठा फिर दूसरे ऑफिस चल, तो वो एक मेरा रहता था कि चलते फिरते जहाँ पे बूथ मिलते एक लस्सी पी लिया एनर्जी पी लिया और आगे निकल जाते, तो वो एक दौर काफी बिताया। नहीं ये सच है, देखो भाई लोग अगर आप बंबई आए तो आपको एनर्जी क्या है ये समझ में नहीं आएगा। एनर्जी एक्चुअली दूध का ब्रांड है, यहाँ की डेयरी है तो वहाँ की उसकी ब्रांड का एनर्जी है। जैसे जैसे एसटीडी पीसीओ होते हैं छोटे छोटे बने होते हैं, तो मुंबई में बड़े छोटे छोटे ऐसे लकड़ी के खोखे जिसको बोलते हैं बने होंगे, जहाँ पे आपको लस्सी मिलेगी तो एनर्जी जो दूध की बात है वो मिलेगी, 3-4 फ्लेवर्स मिलेंगे उसे, स्ट्रॉबेरी पिस्ता टाइप्स मिलेगा और आप कहीं पे भी रुके उसको पिए और फिर एनर्जी जब मिल जाता है आपको फिर आप वापस जाकर शुरू करें। करेक्ट। और मुंबई की बारिश की कोई कहानी भाई? बॉम्बे की बारिश भाई कमाल है, अभी तो गाड़ियां आ गई सब बढ़िया है, घर पे जब मर्जी निकल सकते हैं हमारे लिए शूटिंग एडजस्ट होती है सब है, पर मुझे याद है शुरू के अंदर एक बार जब बहुत बारिश बॉम्बे में आई थी और मुझे मैं बस के अंदर सैंटा क्रूज से आ रहा था, सैंटा क्रूज खार बहुत लो एरियाज हैं, तो मैं उस जगह पे एक बार फंसा हूँ बस में और बस के अंदर बड़ी देर बैठे रहे, बस के अंदर पानी काफी ऊंचा आने लगा और फिर हम उतरे, मुझे याद है कि मेरी हाइट जैसे बंदे के लिए इतना इतना पानी था और मेरी फोटोग्राफ्स थी उस समय मेरा सबसे प्रेशियस जो थी था फोटोग्राफ बचाते हुए, इतनी सारा बंच था फोटोग्राफ को जो नई डेवलप कराई थी और वही तो काम दिलाती है, वो बचा बचा के बारिश में मैं निकला था, बट That was special. मुझे लगता है कि वो experiences होने भी जरूरी हैं, अभी तो खिड़की पे बैठ के बारिश देखना तो बड़ा आसान काम है, but I think उस इतने ऊंचे पानी के अंदर उतर के जो खराब पानी है उसके अंदर उतर के अपनी चीजें बचा के निकलना भी एक एक्सपीरियंस है। सही बोले भाई। तो हम लोग मुंबई की गालियों के बारे में बात करते हैं, मुंबई का स्लैंग, कोई आपके फेवरेट वर्ड्स हैं क्या ऐसे? गालियाँ तो नहीं दे सकते भाई पर बहुत कुछ है, आई थिंक बॉम्बे में तो जो एकदम वो बुलाने एक दूसरे को बुलाते थे ना वो बड़ा आपको याद शुरू के अंदर ऐसे बताए ये क्या हुआ सर के बुलाते तो ऐसे बुलाते आप लड़की हो लड़का हो किसी को बुलाना हो तो एकदम ऐसे करते साउंड से निकालते थे, तो मैं बोलता था यार तो झगड़ा हो जाएगा बॉस अगर तुम किसी को ऐसे बुलाओ, कहते मुंबई में तो ऐसे ही बुलाते एकदम। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा? अरे नहीं हो पाता था भाई पहले, और ऑटो फट करके रुक जाते थे दूसरे लोगों के लिए ऐसे करने पे और रुकते थे और लोग भी बुलाने भी, और आप सोचिए कि मुंबई की भाई आप ऑटोज की बात की तो आपने देखा कि ये तो फॉर्मूला वन से भी बेहतर लोग फास्ट है, कहीं भी कहां पे भी कैसे भी घुस जाते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, सो वो भी बचा के चलना चाहिए जो मुंबई में चलाता है गाड़ी चला के उसको, भाई आप बचा के चलो मुंबई ऑटो कहीं से भी कहां से भी प्रकट हो सकती है। सही बात है ये, तो मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे देख रहा था आपका बाइक और कार का आपका शौक अभी कम नहीं हुआ, मतलब आपका है अभी भी कायम? भाई शौक है बाइक का, मैंने हार्ले डेविडसन लिया था। जी ठीक है, हार्ले डेविडसन लिया मैंने, एक साल के अंदर 40 किलोमीटर चलाया और 40 किलोमीटर भी कैसे चलाया, एक बार मैं फिल्म सिटी गया एक बार वापस आया और एक बार मैंने बैक रोड पे चक्कर मारा, तो जब भी मैं नीचे उतरता था मुझे लगता था हार्ले डेविडसन मेरे को देख के देख रही है कि कब चलाएगा बेटा कब है, वो खड़ी रही, फिर मैंने किसी को दे दी गाड़ी, वो किसी और में कह रही तो नाइंसाफी है इस गाड़ी के साथ, तो मैंने चलाई नहीं। मुंबई में आई विश, आपको पता है कि कितना ट्रैफिक है, धीरे धीरे चलता है, देख ही रहा है ना लोगों को आज, देख ही रहे भाई साहब कि क्या मुंबई में ट्रैफिक है, सो गाड़ी बाइक उतना चलाने का मौका नहीं मिला। हाँ गाड़ियों का शौक है कभी कभी पूरा कर लेते हैं।